आपके साथ ये जो सार्थक बातचीत से न सिर्फ मुझे लेकिन देश के जो भी नागरिक आज आपको सुन रहे हैं सभी देशवासियों को संतोष हुआ होगा, उनके अंदर एक नया विश्वास पैदा हुआ होगा कि दूर सुदूर गांव में हमारे लोगों ने कैसे देश को संभाला हुआ है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए कैसे बढ़िया काम कर रहे हैं। और शायद समय ज्यादा होता और मैं सबको सुन पाता, कितना आनंद आता, कितनी नई नई चीजें मिलती। लेकिन मैं जब लाखों की तादाद में पंच सरपंच मेरे सामने हैं, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हैं, भले ही मैं आप सबको सुन नहीं पाया हूं, लेकिन जिन कुछ अपने प्रधानों ने अपने अनुभव बताए उसमें एक प्रकार से आपकी भावनाएं प्रकट हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने कोई ऐसे विशेष प्रयास किए हो, प्रयोग किए हो, अपने गांव को बचाया हो, अगर मुझे लिख करके भेजेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी इस मुश्किल परिस्थिति में भी गांवों में जीवन को सुरक्षित और आसान बनाने में नेतृत्व कर रहे हैं, जिम्मेवारी निभा रहे हैं। हम सब ने सुना है, बचपन से सुनते आए हैं, महात्मा गांधी एक बात बार बार करते थे। महात्मा गांधी कहा करते थे कि मेरे स्वराज की कल्पना का आधार ग्राम स्वराज ही है, इसलिए ग्राम पंचायतें हमारे लोकतंत्र की एकजुट शक्ति का केंद्र है, हमारी लोकतांत्रिक एकजुटता का यही सबसे बड़ा का ताकतवर केंद्र है। और हमारे यहां तो शास्त्रों में कहा गया है संगमूलम महाबलम, अर्थात बड़ी से बड़ी शक्ति का केंद्र संगठन या एकजुटता में ही होता है। और इसलिए आज की परिस्थिति में देश को आगे ले जाने की शुरुआत, देश को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत गांव की सामूहिक शक्ति से ही होगी, आप सबकी एकजुटता से ही संभव होगी। इन प्रयासों के बीच हमें ये याद रखना है कि किसी एक की भी लापरवाही, एक की भी लापरवाही पूरे गांव को खतरे में डाल सकती है, इसलिए ढील की जरा भी गुंजाइश नहीं है। गांव में सैनिटाइजेशन अभियान हो, शहर से आने वाले लोगों के लिए इतने कम समय में क्वारंटाइन सेंटर बनाने का काम हो, हर एक व्यक्ति के खान पान और जरूरत की चिंता हो, या फिर आम लोगों को जागरूक करने का काम हो, ये काम हमें निरंतर बिना रुके बिना थके करते ही रहना है।